नमस्कार, मैं संगीता और आप देख रहे हैं रंगेलो बाज़ार। तो आज मैं पहुंची हूँ दिल्ली के मदनगिरी मार्केट में। तो यहाँ के पहले भी आपको बहुत से वीडियो पहुंचा दिए हैं। तो यहाँ पे जो चूड़े थे मुझे वो मिले, तो इनके जो डिज़ाइन थे वो बहुत अच्छे लगे, तो आप लोगों को भी दिखाने लग गई। तो ये चूड़े थे वो यहाँ पे बहुत, मतलब ऐसे नहीं है जैसे ऐसे कलर बहुत कम मिलते हैं, कई बार हमें एकदम चटक रेड कलर चाहिए होता है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे था। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ ये चूड़ा, मैं इस आपको हाथ में भी पहन के दिखाऊंगा। बहुत अच्छा लगा, जैसे आगे बंगड़ी टाइप होता है वैसे नहीं होता, तो वो था। तो मैंने भैया से बोला कि ये मुझसे खुल नहीं रहा, आप मुझे खोल के दीजिए। तो उन्होंने वो चूड़ा फिर मुझे सेट करके दिया, जैसे पहनते हैं ना उस हिसाब से। तो मैं आपको उसको हाथ में भी पहन के दिखाऊंगी। तो और भी आप देख सकते हैं कि है ना, कड़े भी हैं इनके पास, पूरा चूड़ा भी है हर प्रकार से। तो ये यहाँ पे मैंने पहन के देखा था, मतलब मेरे तो थोड़ा सा बड़ा था ये, बाकी पहनने के बाद ना बहुत अच्छा लुक इसका आ रहा था। आप इसमें चाहे तो ना अपने खुद से या मतलब इन्हीं के पास से, लेकिन मैं और भी चूड़ियाँ वगैरह वो ऐड कर सकते हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा हो तो और भी अच्छा लगे। किसी किसी को कम पसंद है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा भरा हुआ हाथ पसंद है, तो मुझे तो इतना ही पसंद है। मैंने दिखाया आपको, इसमें आप डबल भी ले सकते हैं, जैसे डबल करके पहन सकते हैं, एक हाथ में ये पूरा पहन सकते हैं, एक में पूरा पहन सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद एक ये था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस चूड़े में ना और भी कलर है पहले वाले में, मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। तो ये देखिए, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये ना कड़े ना वो वैसे मोटे मोटे थे, साथ में जुड़े हुए जैसे चूड़ियों के हिसाब से ना, तो काफ़ी सिंपल सा चूड़ा था और बहुत अच्छा था, कलर भी बहुत अच्छा था। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा कलर है, और इसमें भी आपको बहुत कलर मिल जाएंगे। और जो मैंने पहले चूड़ा दिखाया था उसी में मैं आपको कलर दिखा रही हूँ, उसमें ये कलर आपको ये कलर मिल जाएगा उसमें, ऊपर थोड़ी सी उससे डिजाइन भी है थोड़ी बहुत अलग है, बाकी अच्छा था चूड़ा। और ये एक उसमें जो मैंने पहले दिखाया था उसमें एक कलर ये और है, तो ये कलर भी काफ़ी अच्छा था। जैसे आप अपने साड़ी के मैचिंग के अकॉर्डिंग पहन सकते हैं, या ब्लाउज लहंगा किसी के भी अकॉर्डिंग पहन सकते हैं। और जो रेड कलर के चूड़े हैं वो बहुत अच्छे लगे, क्योंकि आगे जो करवा चौथ है वो भी आने वाला है, तो उसमें भी ना हमें जो चूड़े हैं, क्या लेडीज़ों को कुछ ज़्यादा है वो रहता है कि अच्छे अच्छे चूड़े खरीदें, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। रेड कलर मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है, तो ये भी मैंने आपको पहन के दिखाया, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसमें भी आप ना अपने पसंद के अकॉर्डिंग और चूड़ियाँ ऐड भी कर सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं कि ये सिंगल कड़ा है ना वैसे यूज़ में ले सकते हैं, तो आप सिंगल कड़ा भी यूज़ में ले सकते हैं इनमें। और ये इधर कुछ और चूड़ियाँ थी जो नहीं बोलते हैं प्लास्टिक में आते हैं या मेंटल में आते हैं, वो चूड़ियाँ थी, तो ये भी मैंने सोचा आप लोगों को दिखा ही दूँ। तो काफ़ी लोग पहनते हैं, ऐसा नहीं है नहीं पहनते, बहुत सारे लोग भी पहनते हैं, ज़रूरी नहीं है लाख का ही पहने। तो इनमें भी अलग अलग प्रकार का कलर था वो मिल जाएगा। उसके बाद है ना इधर मुझे साड़ियाँ दिखी, तो मैंने सोचा चूड़े के साथ साथ मैं साड़ियाँ भी दिखा दूँ, क्या पता साड़ियों की मैचिंग का चूड़ा ले लो या चूड़े के मैचिंग की साड़ियाँ ले लो। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, मैं आपको बताना ही भूल गई, वो चूड़े थे वो मात्र 200 रुपये के थे, 200 रुपये के अंदर आप कोई सा भी चूड़ा वो ले सकते हो, मुझे याद ही नहीं आया। तो अभी मैं आपको साड़ियाँ दिखाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे साथ में गाउन वगैरह लहंगा वगैरह भी टंगे हुए थे, और साड़ियाँ भी थे। साड़ियाँ अंकल के पास अच्छी थी, अब देन लेन के हिसाब से भी अच्छी थी, पहनने के हिसाब से भी अच्छी थी, और जैसे हेवी साड़ियाँ भी थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये साड़ियाँ आप देख रहे हो ना, इनकी सबके अलग अलग रेट है, जैसे कोई 250 की भी है, कोई 500 की भी है, तो कोई जैसे 2000 की भी बता रहे थे अंकल, इनमें से पता नहीं कौन सी थी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बाकी सबके अलग अलग रेट थी। कलर सबके बहुत अच्छे अच्छे थे, बहुत अच्छे मुझे वो लग रहे थे। ये आप देख रहे ग्रीन कलर की साड़ी, तो ये ग्रीन कलर की साड़ी वो मुझे, और ये है ना पहले मैंने सोचा ये दिखा दूँ, तो ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी ठीक लगे तो आप लोगों को दिखा दी। ये ग्रीन कलर वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, ये अच्छी भी थी और ये भी बहुत अच्छी थी, और मुझे बहुत अच्छी लगी ये भी, पर सबसे ज़्यादा मुझे ये ग्रीन वाली अच्छी लगी। तो मैं इसको हाथ में पकड़ के बैठी थी, बहुत अच्छी लग रही थी ये। और इसमें कलर है ना और भी थे, और भी कलर अंकल बोल रहे थे हैं। और एक ये साड़ी थी, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी,
तो इसका भी कलर अच्छा था और जैसे पहनने में भी कंफर्टेबल थी। इधर भी है ना कुछ जो सूट वगैरह थे वो लगे हुए थे, अब देख सकते हैं मार्केट में। और इधर ये साड़ियाँ लगी हुई थी, ये भी सभी है ना पार्टी वेयर साड़ियाँ थी, बहुत अच्छी साड़ियाँ थी। इनके रेट का नहीं पता, मैंने पूछा नहीं, तो हो सकता है कि महंगी हो, पार्टी वेयर साड़ियाँ थी तो महंगी हो। बाकी उनकी मैंने आपको बता दी कि वो साड़ियाँ सारी आपको वहाँ पे 250 रुपये से लेके 3,000 4,000 रुपये तक की मिल जाएगी। तो मैं आपको बता दूँ कि ये साड़ियाँ आपको कैसे लगी वो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर कोई नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आपको भी अगर कोई को अपनी शॉप का वीडियो बनवाना है या प्रमोशन वीडियो करवाना है तो जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं कॉन्टेक्ट फॉर प्रमोशन वीडियो, आप इन पे हमें संपर्क कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जिसे आप कंफर्टेबल हो। तो मैं आपसे फिर से एक बार यही कहना चाहूँगी कि वीडियो पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए।